आज मैं आप सभी को एक ऐसी मिरेकुलस फेयरनेस क्रीम के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आप खुद घर पे बैठे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यस, आज मैं आपको राइस क्रीम के बारे में बताऊंगी। राइस में विटामिन बी होता है बहुत ज्यादा। इसमें ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन में कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। राइस जो है वो रिंकल्स एंड फाइन लाइंस को रिमूव करने में हमारी बहुत हेल्प करता है। क्या आपको ये बात पता है कि राइस हजारों सालों से जापान में ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में यूज होता आ रहा है। आप जैसे देखते होंगे जापानीज और कोरियंस की स्किन कितनी क्रिस्टल क्लियर होती है, यस वो राइस वाटर, राइस मास्क और राइस क्रीम की वजह से ही होती है। राइस क्रीम स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ, ब्यूटीफुल रखता है और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है रिंकल्स एंड फाइन लाइंस को रिमूव करने में। तो चलिए मैं आपको इसके बेसिक 5 बेनिफिट्स बताती हूँ। ये स्किन को सॉफ्ट रखता है, एंटी एजिंग होता है, ग्लोइंग स्किन आपको देता है, स्किन वाइटनिंग इफेक्ट आपके स्किन पे डालता है और सबसे इम्पोर्टेंट आपके स्किन को बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर और एक्ने फ्री रखता है। बनाने के लिए आपको लगभग इतने चावल चाहिए होंगे। इसमें मैंने 4 बड़े टेबल स्पून राइस लिए हैं और मैंने इन्हें पूरी तरह से पानी में डुबो दिया है। आपको भी लगभग इन्हें 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से पानी में डुबोना है, उसके बाद हम राइस क्रीम बनाना स्टार्ट करेंगे। 10 से 15 मिनट राइस को इसी तरह से भिगोने के बाद अब हम एक पैन लेंगे और इसे पैन में डालेंगे। में डालने के बाद अब मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ और मैं फ्लेम को रखूँगी मीडियम टू लो पे। आप इसे कम से कम आपको इसे 5 से 10 मिनट तक इसी तरह बॉयल होने देना है और अब आप इसे छोड़ दीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। एज यू कैन सी 10 से 12 मिनट बाद ये जो राइस है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और इसने ऊपर से ये जो झाग छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब अब बस इसे 1 या 2 मिनट और आपको स्टर करने की ज़रूरत है। इसे बिल्कुल इसी तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से छान लेना है ताकि चावलों का जो सारा रस है वो नीचे आ जाए। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होगा इसका। मैंने सारे राइस को स्टेनर से अच्छे से स्टेन कर लिया है। देखिए लगभग इतनी क्वांटिटी में है कि ये आपका 1 वीक तो इजीली चली जाएगी। और अब मैं इसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिलाने वाली हूँ। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल अवेलेबल है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप विटामिन ई का ऑयल भी मिला सकते हैं। इसमें ईवियन 400 के नाम से आते हैं, आपको किसी भी फार्मास्यूटिकल शॉप पे इजीली मिल जाएंगे। काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं ये कैप्सूल। तो चलिए अब इसमें हम कम से कम 2 कैप्सूल मिला देते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें फिश ऑयल का कैप्सूल भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसकी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप कर दीजिए। ये आपकी होममेड स्किन वाइटनिंग क्रीम बिल्कुल रेडी है। आप इसे क्रीम कह सकते हैं, स्किन वाइटनिंग जेल बोल सकते हैं। अब आप इसे किसी भी खाली कंटेनर में, पुरानी क्रीम का कोई भी कंटेनर हो उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिए। मेरे पास ये था तो मैं इसमें इसे कन्वर्ट कर लेती हूँ। अभी हमारी होममेड स्किन वाइटनिंग क्रीम बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होती है, थोड़ा सा जेल फिनिश होती है ये। आप इस क्रीम को बहुत इजीली अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं, नाइट एज अ नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी स्किन वाइटनिंग होममेड राइस क्रीम यूज़ कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे क्या बेनिफिट। अगर आपको ये राइस स्किन वाइटनिंग क्रीम अच्छी लगी हो और आप इसे यूज़ करना चाहेंगे तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे पहुँचाइए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो।